सो नमस्कार, मेरा नाम गुरप्रीत कौर चड्ढा और आज हम यहाँ पर बहुत ही अच्छी लोकेशन पे शूट करने आए हैं एंड मैं एज अ सपोर्टर यहाँ तक पहुँची हूँ बिकॉज जो इस म्यूज़िक वीडियो के डायरेक्टर हैं जावेद जी, वो काफ़ी दिल के करीब है, मेरे छोटे भाई हैं. सो मैंने सोचा कि उनको एक सपोर्ट देने के लिए मैं यहाँ पर आऊँ. और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो बड़े खूबसूरत चेहरे मेरे साथ जो बैठे हैं, चिराग भाटिया ऑल द वे दिल्ली से और अर्चना गौतम, जो कि ऑलरेडी इतनी प्रिटी लग रही है. एंड आई एम श्योर ये दोनों ने बहुत तबाही मचानी है. एंड वी हैव गॉट अनदर स्टार हियर हुज नेम इज लव स्टार. सो बड़े एक्साइटेड है हम सब इस म्यूजिक वीडियो के लिए, बिकॉज नॉर्मली क्या होता है कि म्यूजिक वीडियो शूट हो जाती है और पता भी नहीं लगता, बट आज आप सबकी प्रेजेंस से और इतने प्यारे तरीके से जो मुहूर्त करवाया गया मेरे से, तो मुझे एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं कि जावेद जी ने आई एम श्योर कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट सबके आगे लाने के लिए रखा है. माय सेल्फ चिराग भाटिया फ्रॉम दिल्ली. सबसे पहले मैं थैंक्स करूँगा मैम का जो हमारे लिए यहाँ पर आई, एंड दोनों का जो मेरे मेन लीड में एज अ आर्टिस्ट हैं. द टाइटल ऑफ द सॉन्ग इज नशा ज़्यादा. ये सॉन्ग हमने इस वजह से बनाया है क्योंकि जितने भी आजकल ट्रेंडी बंदे चल रहे हैं, जो स्वैगी बंदे चल रहे हैं, सब क्लबिंग वगैरह करने जाते हैं और उसके बाद एक ही चीज़ बोलने का टाइम मिलता है, यार नशा ज़्यादा हो गया यार. तो मैंने सोचा जब मैं गया हुआ था, मैं भी क्लबिंग करने गया हुआ था, उसके बाद जो है मैंने एक लड़की को ऐसे देखा, फिर मेरे दिमाग में एक टाइटल आया कि यार पाजी एक गाना बनाते हैं नशा ज़्यादा है, उसका एक हुक लाइन प्यारी सी लगी. तो हमने इस गाने के ऊपर आई थिंक एक साल से ज़्यादा लगा दिया है, बट करके बहुत अच्छा एक प्रेजेंटेशन भी मिली है मैम की तरफ से और सबके सपोर्ट. और यही कहना चाहता हूँ कि जो भी काम हो अच्छा हो. किस तरह का नशा, किंग वाला नशा या गाने का नशा? देखो नशा तो आप कुछ भी ले लीजिए, हर चीज़ का एक नशा ज़्यादा ही होता है. आपका जो थॉट था जब आपने मेरा थॉट ये था कि एक लड़की जा रही थी तो उसने जो है वोडका के 3-4 पैग मारे. आफ्टर डैट जब मैं डांस कर रहा था तो वो अपने फ्रेंड के साथ डांस कर रही थी, तो जब मैं उसके साथ डांस करने लगा तो उसने मुझसे यही कहा, यार आज मेरे को नशा ज़्यादा हो गया है. तो वो ड्रिंक वाला नशा था यार. सो तब तक ये ड्रिंक वाला नशा था, फिर जब ये घर पहुंचे तो इन्होंने गाने का नशा अपने अंदर लाए और वो गाना बनाया. सो अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो स्टार है इस गाने की, अर्चना जी क्या कहेंगे? आप इसमें एक्ट कर रही हैं, कितनी तैयारी की आपने? एक्चुअली मुझे ये सॉन्ग आया था कुछ 1 वीक पहले, तो मुझे बहुत अच्छा सॉन्ग लगा, तो मैंने जावेद जी से बोला कि जावेद जी ये गाना मुझे करना है. और इससे पहले मैंने 12 सॉन्ग किए हुए हैं और मूवीज़ में मैंने किए. अब मेरी अपकमिंग मूवी IPL आ रही है, तो उसके बीच में मैं शूट कर रही थी. जावेद जी के बोलने पर मुझे तुरंत उनके पास आना पड़ा और आज आप देख रहे हैं कि मैं शूट कर रही हूँ. मैम मुझे बहुत अच्छा लगा, मैम यहाँ आई हैं. इनफैक्ट अभी हमारा ओपनिंग हुआ है इसका, इस सॉन्ग का. बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहती. आई एम सो एक्साइटेड. सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम दफ्त है और मैं भी दिल्ली से ही हूँ और मैं काफ़ी सालों से सिंगिंग लाइफ में कर रहा हूँ. मेरे को चिराग भाटिया जो मेरे भाई हैं, एंड थैंक्स फॉर कमिंग मैम एंड जो हमारी मॉडल हैं. और नशा ज़्यादा एक काफ़ी यूनिक है, मतलब अभी जो ट्रेंडिंग्स चल रही है लाइक लीकर वगैरह पे, लोग स्मोकिंग्स वगैरह पे भी करते हैं, लेकिन मेरा जो मानना था लाइक लीकर पे ही ज़्यादा मैं प्रीफर करता लिखने के लिए. और चिराग भाई के साथ मैंने बैठ के काफ़ी टाइम से मैंने इसको वर्क किया है, तो अब जाके यहाँ पे हम अंजाम दे रहे हैं. पूरी उम्मीद है कि जब गाना बन के आएगा मार्केट में तो लोगों को नशा होगा. अरे ब्लास्ट होने वाला है, पक्की बात है. तो फटेगा बिल्कुल बम, लाइक किसी ने ऐसा सुना नहीं होगा लाइक जो अब इस गाने में होने जा रहा है, क्योंकि जावेद सर का हाथ है हमारे सर पे, मैम का हाथ है और हमारी टीम काफ़ी बड़ी है. बाकी थोड़ा सपोर्ट आप लोगों की तरफ से भी होगा हमारे पास. तो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जो हनी सिंह के जो गाने आए थे 4 बोतल वोडका, उसको टक्कर देंगे, मतलब ये कैसा, किस तरह का? क्या देखो पाजी, सबसे पहले मैं हनी पाजी की ये बात कहना चाहता हूँ कि वो लेजेंडरी बंदे हैं हमारे सामने, क्योंकि उनको देख देख के ही हम सीखे हैं. हम टक्कर तो नहीं दे सकते, बट इतना ये कह सकते हैं कि हाँ अगर वो भी ये गाना सुने तो वो भी कहेंगे कि हाँ ये कॉम्पिटिशन अच्छा है. मतलब वो उनका 4 बोतल था तो आप 8 बोतल रहेगा? नहीं, 8 बोतल, 8 के बाद 12 भी पी ली तो तभी तो नशा ज्यादा होगा ना. एक्चुअली अभी तो मैं बोला कितना वोडका पिया था उस लड़की ने. 4 शॉट्स
फोर शॉट मैम आपका क्या प्रतिक्रिया है? सो नशों की बातों से तो मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ नशों से दूर रहो. जो मेरा प्रोफेशन है मैं उसके हिसाब से बोलूँगी, बट डेफिनेटली आजकल के जो यंगस्टर्स हैं ऐसे म्यूज़िक को सुनना पसंद करते हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं. एंड जो जब मैंने ये अभी स्क्रैच आके सेट पर सुना है तो मुझे भी यही लगता है कि आपने हनी सिंह जी का नाम लिया या फिर रफ्तार है, बादशाह है, उसी के उन्हीं के ट्रेंड से ये गाना बनाया गया है. एंड आई थिंक उनके नक्शे कदमों पर ये चल ही रहे हैं, तो आई एम श्योर गाना भी बहुत हिट होने वाला है. बाकी आप सब सुन के देख ही लेंगे. कितना फील कर रहे हैं आप लोग अभिनेता को, एक आर्टिस्ट को अरे बहुत मेरे को ये बहुत अच्छा लगा कि मैम आई सबसे पहले. और मैं दूसरी चीज़ एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, जैसे आपने हनी पाजी का भी नाम लिया था और मैम भी मेरे लिए तो मेरी गुरु है ना. कहते हैं भगवान से बड़ी दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती, कहते हैं भगवान से बड़ी दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती. भगवान भी कुछ नहीं है, गुरुओं के आगे गुरुओं से बड़ी दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती. थैंक यू. इस गाने को लेके मैं बहुत बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ. एक्चुअली मेरा पार्टी सॉन्ग, मैं अगर मैं सारी अपने सॉन्ग की बात करूँ तो ये मेरा फर्स्ट पार्टी सॉन्ग हुआ जिसमें मैं अपना परफॉर्म, अपना 100% परफॉर्म करना चाहती हूँ. और आई होप कि हमारे जो सिंगर हैं उनको भी मैं बहुत ज़्यादा पसंद आऊँ और मैम आपको भी बहुत पसंद आऊँ. और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैम हमारे साथ बैठ के हमारा परफॉर्मेंस देखने वाली है. आपसे एक सवाल है, नशा पे ही क्यों आप फाइनेंस कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं कोई फाइनेंस नहीं कर रही हूँ. मैंने पहले भी बोला कि जो जावेद भाई हैं जो इस म्यूज़िक वीडियो के डायरेक्टर हैं उनकी रिक्वेस्ट पे मैं यहाँ आई हूँ. यहाँ पहुँचने तक मुझे नहीं पता था गाना क्या है या उसका थीम क्या है, मैं सिर्फ उनके कहने पे यहाँ पे आई हूँ. और अगर आजकल दुनिया भर की जो वीडियोज़ बन रही हैं, अगर आप बाकी सारे शोज़ देखोगे, वेब सीरीज़ देखोगे तो क्या कुछ चल रहा है, ये तो सिर्फ एक गाना है जो बच्चों ने बनाया है. आई एम इन सपोर्ट ऑफ देम, नॉट in support of any nasha or anything. Future mein kabhi agar mauka mila नहीं, डेफिनेटली मैं तो प्रोड्यूसर हूँ ही. मैंने 3 पंजाबी फिल्म्स प्रोड्यूस की हैं. मैं पंजाबी एक्टर हूँ, मैं पंजाबी पीटीसी चैनल के साथ बहुत दिल से जुड़ी हुई हूँ, काफ़ी सारा काम करती हूँ. सो प्रोड्यूस करने का मौका मिलेगा तो म्यूज़िक वीडियोस मैंने भी 2-3 प्रोड्यूस की हुई हैं ऑलरेडी. सो डेफिनेटली करूँगी, बट मैं आई बिलीव इन प्रोड्यूसिंग थीम बेस्ड सिनेमा. चलते चलते दर्शकों से क्या अपील करेंगे इस गाने को लेके, जब आए तो क्यों देखें, कितना झूमे हो इस गाने को? देखो सबसे पहले बस यही बात कहना चाहता हूँ कि सभी की लाइफ में कितना आप लोग नशे को सपोर्ट करते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल जो जनरेशन चल रही है उसी के हिसाब से हम चल रहे हैं. अगर हम 90s में जाएंगे तो वो चीज़ें तब अच्छी रहेंगी आपके ज़माने की, बट जो अब नया जनरेशन आएगा अगर मैं 90s का करूँगा तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकेगी और किसी को भी मज़ा नहीं आने का. सबसे पहले ये चीज़ कहना चाहता हूँ, इस गाने के अंदर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क लग चुका है. और दूसरी चीज़, हम तो अपना हार्डवर्क पूरा दे देंगे, बट अगर कहीं ना कहीं किसी को ये सॉन्ग, सबको पहली बात तो अच्छा लगेगा, और जिस जिसको ये सॉन्ग अच्छा लगे तो भाई साफ सीधी बात है, देखो नशों को हम भी सपोर्ट नहीं करते, बट ये कहना चाहता हूँ लीकर पीने बाद ये वाला गाना जरूर सुने और उसको नशा ज्यादा और ना हो तो बात बेकार है. तो सभी को यार लाइक वगैरह ठोकना है और शेयर करना है दबा के. सर आप नशे को कितना सपोर्ट करते हैं? मैं नशे को लाइक कितना सपोर्ट कर सकता हूँ? मैं जो एज अ आर्टिस्ट जो फील करता हूँ, मैं जैसे कि मेरा माहौल होता है, मैं कहीं भी पार्टीज वगैरह में जाता हूँ, लोग अपनी मौज मस्ती में होते हैं, तो बस उसी के ऊपर मैं फील करके लिखता हूँ. ज़्यादा कुछ नहीं है मेरा सपोर्ट. लाइक जितना भी क्रेज़ होता है आजकल की गर्ल्स जो जाती हैं क्लबिंग करने जाती हैं, मस्ती है कुछ नहीं है, बीट पे ही नाचती रहती हैं, तो बस वही उसी को लेके सब लगता है कि गाना आएगा और क्लब में. हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली बजेगा. एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी, मैं फिल्म सेंसर बोर्ड में रह चुकी हूँ 3 साल, तो जिस भी फिल्म में जब भी लिकर का आता है तो उसमें नीचे डिस्क्लेमर डाला जाता है कि अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ. सो डेफिनेटली हम इस वीडियो के पहले भी डिस्क्लेमर डालेंगे क्योंकि सेंसर बोर्ड अदरवाइज सेंसर करता ही नहीं है. सो इट्स नॉट अबाउट प्रमोटिंग नशा, इट्स अबाउट प्रमोटिंग आवर सिंगर. हम यहाँ आए हैं अपने सिंगर्स को प्रमोट करने के लिए, उनका टैलेंट बढ़ाने के लिए, अपने डायरेक्टर को, अपने DOP को सपोर्ट करने के लिए. सो हर चीज़ में, हर प्रोजेक्ट में बहुत मेहनत लगती है. आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इस एल्बम को आगे बढ़ाना, इसको सपोर्ट करना, इसको शेयर, लाइक और इसको व्यूज़ देना, इसीलिए मैं आई. मैम आप क्या कहनेंगे? मतलब
मैं इसको पूरा सपोर्ट करूँगी, जैसे कि मेरे फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, जहाँ तक मैं बात करूँ इंस्टाग्राम की, टिकटॉक की, हेलो ऐप की, तो मैं अपनी तरफ से पूरा अपना 100% दूँगी। और जितने भी मेरे फैंस हैं, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, उनको मैं बोलूँगी कि ये सॉन्ग पे वो ज़्यादा से ज़्यादा टिकटॉक बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा इस सॉन्ग को वायरल करें। मतलब नशा नहीं करें? नशा सर देखो, मैं तो इतना ज़्यादा नशा करती नहीं हूँ तो मैं नहीं बोल सकती, पर हाँ इस सॉन्ग के बाद मैं चाहती हूँ कि हर कोई नशा करे। Oh my God. Nice.